आज हम व्रत में खाने के लिए फलारी चीला और चटनी बनाने का आइडिया शेयर कर रहे हैं। इसे बहुत ही जल्दी और आसानी से आप बना सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट लगता है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है। पहले चटनी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच भुने हुए मूंगफली दाने, 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच दही, थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे। चटनी पिस गई है, इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसमें काली मिर्च ऐड कर देते हैं और सेंधा नमक भी मिला देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखा आपने, झटपट चटनी तो तैयार हो गई। अब इसे एक तरफ रख देते हैं। अब फलारी चीला बना लेते हैं। इसके लिए हमने 1/2 कप राजगिरी का आटा और 1/2 कप ही सिंघाड़े का आटा लिया है। 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देते हैं। सेंधा नमक स्वाद अनुसार मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। ये दोनों तरह के आटे जो हमने लिए हैं, इनको हम सभी लोग व्रत में यूज कर सकते हैं। एक चम्मच दही मिलाकर 1-2 मिनट अच्छी तरह से फेंट लेंगे। चीले का बैटर तैयार हो गया है। तवा गरम कर लेते हैं। यहाँ हम नॉनस्टिक तवे का यूज कर रहे हैं। इस पर 1 चमचा बैटर डालकर चमचे की सहायता से ही फैलाएंगे। गैस को स्लो कर लेंगे, इससे पकने देंगे और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे। चीला एक तरफ से पक गया है, इसे पलट लेते हैं। फिर से थोड़ा थोड़ा घी डालकर पलट लेते हैं। चीला तैयार हो गया है। इसे प्लेट में निकालकर चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, हमने व्रत के लिए कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, फलारी दही बड़ा, साबूदाना बड़ा, फलारी अप्पे, इडली, उत्पम। इन सभी वीडियोस को आप व्रत रेसिपीज में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगी एक अमेजिंग आइडिया के साथ। धन्यवाद।